नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोई लेक्चर लेकर नहीं आया हूं। आज केवल मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारे चैनल को इतना सराहा और हमें इतना प्यार दिया। 27 अप्रैल 2020 को हमने ये हमारा चैनल चालू किया था। उस समय हमारे सामने कोई भी राह नहीं थी, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और बच्चों को पढ़ाने की समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो हमने शुरू में हमारे कुछ लेक्चर पीडीएफ के माध्यम से बच्चों को पहुंचाना स्टार्ट किया, पर एक टीचर वही अच्छा टीचर हो सकता है जो कभी भी अपने काम से खुश नहीं होता है। तो पहले हमने हमारे कुछ लेक्चर पीडीएफ के माध्यम से बच्चों को दिए और इसी दौरान हमने हमारा एक छोटा सा लेक्चर वीडियो के फॉर्म में स्टूडेंट के सामने रखा और उनको वह बहुत पसंद आया। तो हमने देखा कि अगर कोई स्टूडेंट केवल आपके नोट से अगर पढ़ सकता है तो वो बुक से भी पढ़ सकता है। इसका मतलब स्टूडेंट को नोट्स प्रोवाइड करना कोई हमारा उद्देश्य नहीं था। इसलिए धीरे धीरे हमने हमारे सारे लेक्चर डिजिटलाइज मोड में करने स्टार्ट किए और उनको वीडियो के फॉर्म में बच्चों के सामने रखा। तो हमने देखा कि बच्चों को वो लेक्चर धीरे धीरे बहुत अच्छे लगे और उन्होंने हमको और ज्यादा प्रोत्साहित किया। सो 27 अप्रैल 2020 को जो हमने हमारा चैनल स्टार्ट किया था उसके बहुत जल्दी 100 सब्सक्राइबर पहुंच चुके थे और कुछ दिन पहले इसने 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए। और इसी एक साल में हमने हमारे 4000 आवर्स की व्यूअरशिप भी क्रॉस कर ली। तो इस प्रकार धीरे धीरे हमारा चैनल हमारे प्रयासों से और हमारे विद्यार्थियों एवं अन्य प्रेरणादायक लोगों की सहायता से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और हमें आशा है कि इसी प्रकार आप हमें प्यार देते रहेंगे। इसी प्रकार जब हमने 2005 में हमारी फर्स्ट बुक लॉन्च की थी तो मैं एक छोटा सा प्रपोजल लेकर हमारे पब्लिशर के सामने गया था और उन्होंने उसको क्लियरली रिफ्यूज कर दिया था। उन्होंने कहा कि बुक इंग्लिश मीडियम की है, इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, इसलिए ये आपका प्रोजेक्ट नहीं चल पाएगा। फिर मैंने वापस उनको एक बार फिर अप्रोच किया और जो हमारी प्रैक्टिकल की बुक थी वो एक ईयर की बनाने की जगह हमने उसको तीनों ईयर की कंबाइंड फॉर्म में बनाना स्टार्ट किया। तो वो जो बुक थी वो लोगों को बहुत पसंद आई। उसके बाद में हमारी थ्योरी की एक बुक आई जिसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स नाम दिया था, उस बुक ने भी अच्छा काम किया। इस टाइप से हमारा पब्लिशर हमसे इतना खुश हुआ कि हमारे जो भी प्रोजेक्ट हम उनके सामने लेकर जाते वो सारे प्रोजेक्ट उनको अच्छे लगते। इस प्रकार अभी तक हमारी लगभग 40 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं जो हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में भी हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी के सिलेबस के पैटर्न से वो बनाई गई हैं। तो ये केवल आप विद्यार्थियों का प्यार ही है जो मैं इस स्तर तक लेकर आया है। अब हमारी कोशिश ये है कि या तो हम हमारे इसी चैनल पर एक जूनियर का प्लेलिस्ट ऐड करें और या फिर हम हमारा एक नया चैनल स्टार्ट करें।
ये केवल आप पर डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हैं। तो जूनियर के चैनल के अंदर हम या किड्स के चैनल के अंदर हम उनके लिए प्रेरणादायक कहानियां, वैज्ञानिकों के जीवनियां और इसी प्रकार अन्य बच्चों के लिए कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। सो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया, इतना हमको आशीर्वाद दिया। तो आपके आकांक्षाओं पर हम इसी प्रकार आगे खड़े उतरते रहेंगे और जो भी आपके मन में कोई भी शंका हो या कोई भी आप हमें प्रश्न पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको भेज सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी, हम आपके सारे समस्याओं का हल दे सकें। सो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।